आसियान समूह में दुनिया के 10 देश आते हैं जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में अवस्थित हैं, जैसे नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं कन्हैया झा। आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष 3 से 4 प्रश्न नियमित रूप से आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत बहुआयामी और गतिशील अवधारणा है। इसे हमें भली भांति तैयार करने के लिए ना केवल संकल्पनाओं, जैसे हम लोग किन आधारों पर अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखें या किसी देश के साथ संबंध बनाएं, इन सभी बातों की जानकारी, समग्र जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान परिस्थितियाँ किस प्रकार बदल रही हैं, किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, और इन परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के नागरिकों और हमारी क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्वतंत्रता कहाँ तक सुरक्षित है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध मूलभूत रूप से आपकी संकल्पनात्मक समझ और समसामयिक घटनाक्रमों के साथ उनका समायोजन है। अगर आप भली भांति वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके उत्तर में वो गंभीरता और वो वस्तुनिष्ठता अवश्य होगी जो यूपीएससी अपने अभ्यर्थियों से अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इन्हीं मूल बातों के साथ हम आगे लेकर चलेंगे। देखिए, यूपीएससी जो हमें एक सिलेबस या पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में, उसमें मुख्यतः 4 तथ्यों का विवरण है, 4 आयामों का विवरण दिखाई पड़ता है। जो प्रथम आयाम है वह है भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अत्यंत निर्णायक, महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी देश, जैसे उदाहरण के लिए चाहे चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, के साथ अगर बेहतर संबंध बनाते हैं तो इस दृष्टि से हमारे व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारी क्षेत्रीय स्वायत्तता, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को इससे संबल प्राप्त होगा। तो जो हमारे यूपीएससी का एक मुख्य प्रतिबल है वह है कि आप अपने क्षेत्रीय और अपने पड़ोसी देशों के संबंध में एक संकल्पना को पूरी तरह से तैयार रखें, और एक समझ बनाने के बाद ही उन पड़ोसी देशों के साथ जो भी व्यवहार है उन पर विचार करें। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हमें यूपीएससी इस अंतर्राष्ट्रीय आयाम में उपलब्ध करवाता है वह है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात जैसे हमारे संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा पड़ोसी देश नहीं है लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्थापित शक्ति है और विश्व के राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका की आप सब अवचित हैं, अवगत हैं इस बात से कि संयुक्त राज्य अमेरिका आज एक ध्रुवीय विश्व के निर्माण निर्माण का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों पर अमेरिका का सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव हम देख सकते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का अध्ययन करना हमें है, बल्कि इससे संबंधित अन्य देश जैसे फ्रांस हैं, जैसे हमारा रूस है, तो इन देशों के साथ भी हमारे अध्ययन अनिवार्य हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले खंड में चलते हैं, तो हमें यूपीएससी अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उनसे संबंधित नियम और विनियम अथवा विनियम अथवा संधियों के संदर्भ में अपने पाठ्यक्रम में संकेत उपलब्ध कराता है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अनेक संस्थाएं आज कार्यरत हैं। इनमें से जैसे आप देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ अत्यंत प्रभावशाली और बहुआयामी संस्था है। इसके लगभग 25 से 30 ऐसे संगठन हैं जो अत्यंत सक्रिय हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कोविड महामारी के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघ था, उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी। इसी प्रकार यूनेस्को बहुआयामी गतिविधियों का संचालन करता है, चाहे उसका संबंध पर्यावरण पारिस्थितिकी के संरक्षण से हो अथवा शिक्षा और शैक्षणिक विकास से। तो यूनेस्को या संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है हमारे इस तैयारी का। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना आपको भली भांति ज्ञात होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और फ्रांस और रूस आते हैं। यह जो देश हैं, ये सभी देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। लेकिन आज स्थिति यह बन गई है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित हो चुका है। बावजूद इसके भारत को इस संघ में, इस अस्थाई परिषद में स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे मुद्दे हमेशा प्रश्न बनाने और बनने की संभावना रखते हैं। हमें यह देखना होगा कि भारत की दावेदारी यहाँ पर क्या है। हाल ही में जो G20 जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसमें देखिए आप कि अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भारत का समर्थन किया है, और इसका कारण, मूल कारण यह स्वतः स्पष्ट है कि भारत आज दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और साथ ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आज दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगामी कुछ वर्षों में हम अपनी अर्थव्यवस्था को 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के लिए प्रयासरत हैं, और संभवतः हम इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारा योगदान अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भेजी जाने वाली सेना में हमारे सैनिक बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि भारत का योगदान अन्य विकसित देशों से बहुत अधिक है। इसी प्रकार जो नियम विनियम हैं वह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके पश्चात हम कुछ क्षेत्रीय संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय संबंध, जैसे भारत और आसियान के बीच के संबंध। भारत और आसियान समूह में दुनिया के 10 देश आते हैं जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में अवस्थित हैं, जैसे म्यांमार, मालदीव, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस जैसे देश यहाँ पर स्थित हैं। तो भारत और इनके बीच का जो संबंध है वो हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र न केवल
शक्ति संतुलन भारत और चीन के बीच जो शक्ति संतुलन है उसके लिए महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि यहाँ अत्यंत संभावनाएं भी विद्यमान हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर सृजित कर सकता है। हमारे रक्षा उद्योग को यहाँ से एक संबल प्राप्त हो सकता है और हम अपने आयुधों मीन्स मिलिट्री आर्सेनल्स वी कैन सेल देयर, तो हम अपने रक्षा आयुधों को वहाँ पर बेच सकते हैं और एक जो नवीन आयाम है अपने संबंधों को दे सकते हैं। अंतरिक्ष में सहयोग हो सकता है, भारी उद्योगों में सहयोग हो सकता है और औषधि में क्षेत्र में भी सहयोग संभव है। इसी प्रकार जो हमारा पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंध है, तो यह आपको पता है, ज्ञात है कि पश्चिम एशियाई देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से हैं, चाहे वह कुवैत हो, संयुक्त अरब अमीरात हो या सऊदी अरब हो, इराक हो, इन सभी क्षेत्रों में तेल के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। अब देखिए, अगर हमारे संबंध इनके साथ बेहतर होते हैं तो आप यह भली भांति जानते हैं कि हमारी पेट्रोलियम संबंधी निर्भरता इन देशों पर बहुत अधिक है। तो अगर यहाँ से हमें पेट्रोलियम और कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होती है तो हम अपने अन्य कार्यों को बिना किसी कठिनाई के पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार UPSC अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में चार प्रमुख क्षेत्रों को उपलब्ध कराता है और अपेक्षा करता है कि परीक्षार्थी इस पर जो है एक विशद और गहन जानकारी लेकर परीक्षा में बैठें। अब आते हैं हम लोग कि भारत के पड़ोसी देश जो पहला टॉपिक था, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को किस तरह से हमें करना है। तो देखिए, भारत के पड़ोसी देशों का जहाँ तक संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो UPSC की परीक्षा प्रणाली में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। अब परंपरागत प्रश्नों की परिपाटी से हटकर UPSC ऐसे क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर रहा है जो समसामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनका संबंध वर्तमान भारत के राष्ट्रीय हितों से है। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम ऐसे प्रश्नों को चिन्हित कैसे करें, आयामों को चिन्हित कैसे करें। तो देखो, जब हम इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं तो सबसे पहला बिंदु यही आता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों बनाएं। उत्तर बहुत ही स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम अपने भारत की जनता के हितों, उनके आर्थिक सामाजिक सुरक्षात्मक हितों की दृष्टि से ही बनाते हैं। हम अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए संबंध बनाते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं चाहे वह खाद्य आवश्यकता हो, ऊर्जा आवश्यकता हो, को पूरा करने के लिए ऐसे संबंध बनाते हैं। तो संबंधों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, संवर्धन और प्रतिमार्जन अधिकतम कर सके। आते हैं आगे, देखो जहाँ तक भारत के पड़ोसी देशों का संबंध है, तो भारत के पड़ोसी देश भारत के सीमावर्ती देश हैं। भारत की सीमाओं के साथ हमारे पड़ोसी देशों की सीमाएं, स्थलीय सीमाएं जुड़ती हैं। तो अगर हमारे पड़ोसी देशों में मान लीजिए कि अगर शांति और स्थिरता है तो उसका परिणाम क्या होगा, वहाँ अर्थव्यवस्था अगर प्रगति कर रही है तो इसका सीधा सा असर भारत पर होगा और यहाँ हमें निर्यात के अवसर प्राप्त होंगे, हमें एक नया संभावना सृजित होता हुआ दृष्टिगोचर होगा। तो अब देखो कि हो ये रहा है कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं और इस विषय में जो प्रश्न आ रहे हैं, यह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समाहित नहीं करते हैं, बल्कि इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो परिवर्तन कैसा आ रहा है, यहाँ प्रश्न अब मुद्दे आधारित हो रहे हैं, घटना आधारित हो रही है अथवा किसी विशिष्ट विषय विवादित क्षेत्र पर प्रश्न बन रहे हैं। तो हमें अपने पढ़ने की रणनीति में भी अब इसी प्रकार परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
परंपरागत रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ा जा रहा था, जैसे ऐतिहासिक खंड में बांटकर, जैसे राजनीतिक संबंध, जैसे आर्थिक संबंध, जैसे तथ्यों, जैसे भागों में इसको विभाजित किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान जो यूपीएससी का पाठ्यक्रम बदला है, उसमें अब इन बातों के अतिरिक्त हमें अब विशेष मुद्दों, विशेष घटनाओं को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता आन पड़ी है। जैसे आप सभी को पता होगा कि तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद का विषय बना हुआ है। तो देखिए, ये जो तीस्ता जल विवाद है, तो तीस्ता नदी भारत में सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। अब यह हमें बांग्लादेश के पूरे अध्ययन, पूरे संबंधों को तो देखना है, लेकिन विशिष्ट रूप से तीस्ता जैसे विवादित मुद्दों को भी ध्यान में रखना है। तीस्ता, अब यहाँ अगर हम प्रश्न को समझें, तो जैसे एक प्रश्न यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित तीस्ता नदी जल विवाद में निहित चिंताओं और संभावनाओं पर प्रकाश डालें। इस तरह के प्रश्न हम लोग इस टॉपिक से, इस विषय से अनुमान लगा सकते हैं। तो अब यहाँ एक विषय और एक विवाद पर हमें अब 150 से 200 शब्द लिखने हैं। तो यह तभी हो पाएगा जब इसकी समग्र जानकारी आपके पास हो। जैसे आते हैं यहाँ पर कि आखिर ये तीस्ता का विवाद है क्या। तो देखो, हो ये रहा है कि बांग्लादेश के कुछ जिले जो कि तीस्ता नदी द्वारा सिंचित हैं, पिछले कुछ दशकों से जल संकट से ग्रसित हो रहे हैं और जल आपूर्ति की न्यूनता, जल आपूर्ति में आ रही कमी से वहाँ लोगों के जन जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो बांग्लादेश की जनता और बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया कि देखिए, इसकी जल के विभाजन पर एक संधि, एक वैधानिक संधि दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित होनी चाहिए, और जिस राज्य या जिस देश के हिस्से में जितना जल होगा वह उसका उतना उपयोग कर पाएगा। भारत सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया, लेकिन इसी बीच में कुछ चिंताओं पर भी विचार किया गया। जैसे भारत में यह तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल का यह क्षेत्र जिसमें जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग और बाकी कुछ जिले आते हैं, इन सभी जिलों के जल की आपूर्ति तीस्ता नदी द्वारा होती है। अगर मान लीजिए कि तीस्ता नदी से हम अधिकांश जल बांग्लादेश को देने पर सहमति जताते हैं, तो ऐसे स्थिति में हमारे अपने लोगों के लिए जल से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये भी है कि पिछले कुछ दशकों से जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्मन की समस्या बढ़ गई है। अब देखिए, वैश्विक उष्मन के कारण खासकर जो शुष्क ऋतु, वर्ष के शुष्क ऋतु हैं, जिनमें हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं मई, अप्रैल, मार्च महीना, इन 3-4 महीनों में जब जल अपने निम्नतम स्तर पर होता है, इसी समय किसानों को इसकी आवश्यकता होती है। तो अगर हम एक समझौता करते हैं जिसमें बांग्लादेश को अधिक जल राशि दिए जाने की अनुमति हो, जिसमें सहमति हो, इस स्थिति में हमारे अपने नागरिकों के हितों पर
आघात होगा हितों पर, कुठाराघात होगा। तो इस परिस्थिति में यह अनिवार्य है कि ऐसे संधि समझौतों को समग्रता से देखा जाए। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ खेती की प्रणाली में परिवर्तन आया है, आपको यह पता होगा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों में चावल धान की फसल तीन फसली होती है। अधिकांश कृषक ग्रीष्मकाल, शरद ऋतु और वसंत मीन्स किसान न केवल बरसात के महीनों में बल्कि शुष्क ऋतु और जाड़े की ऋतु में भी चावल उगाते हैं। अब ऐसी स्थिति में चावल उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और जल का अति दोहन होता है, और यह भी एक कारण है कि इन क्षेत्रों में जल की कमी आ जाती है। तो तीस्ता के बंटवारे में हमें जब भी विचार करना होगा तो इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी बात यह है कि अगर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध किसी विवाद या किसी जल बंटवारे के कारण खराब हो रहे हैं, तो यह मानना होगा कि बांग्लादेश आज हमारा सबसे अच्छा घनिष्ठ और मित्र देश, मित्र राष्ट्र है। इस देश के साथ हमारे अन्य विवाद सुलझ चुके हैं, तो इस विवाद को भी मैत्रीपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हल करने का प्रयास होना चाहिए। तो इन तथ्यों के साथ हम इनके जो आधार हैं, तर्क हैं, उनको प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार अगर हम देखो बांग्लादेश के बाद अगर नेपाल की बात करें, तो आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व नेपाल के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्होंने दावा किया कि भारत ने नेपाल के कुछ भागों पर अतिक्रमण कर लिया है और यह भाग काला पानी, लिम्पिया धुरा और लेपुलेख क्षेत्र है, जैसा कि मानचित्र में दिख रहा है। यह भाग नेपाल द्वारा दावा किया जा रहा है और नेपाल सरकार का कहना है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, वस्तुतः यह नेपाल का अभिन्न अंग है। अब अगर हम इस बात को अपने प्रश्न की श्रेणी में रखें तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनता हुआ दिखाई पड़ता है, प्रश्न बनता हुआ होगा। जैसे भारत और नेपाल के बीच सीमा संबंधी विवादों के निहितार्थों अथवा समस्याओं पर चर्चा करें या उनके कारणों का परीक्षण करें, इस तरह के कुछ प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए, नेपाल के साथ जो हमारे संबंध हैं और खासकर सीमा विवाद, तो सीमाओं का निर्धारण हमने नहीं किया है। इन सीमाओं का निर्धारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों द्वारा किया गया। नेपाल के साथ हमारी सीमाएं सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, 1816, हाँ, तो सुगौली की संधि पर ये निर्भर है। सुगौली की संधि में तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने यह निर्धारित किया कि काली या जिसे हम लोग शारदा नदी कहते हैं, वह नेपाल की पश्चिमी सीमा होगी। काली नदी के साथ सीमाओं के साथ यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि यह पहाड़ी क्षेत्रों से उद्गमित होती है और इसका मुख्य स्रोत हमें तब बनता हुआ दिखता है जब यह पहाड़ से उतरकर ढलानों पर आती है। नेपाल सरकार का दावा है कि यह नदी वर्तमान सीमा के पश्चिम से उद्गमित होती है, जहां लिम्पिया धुरा स्थल स्थित है। तो इसलिए इस सीमा का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। वैधानिक रूप से नेपाल इसका उत्तराधिकारी है। भारत सरकार का मानना है कि नहीं, नेपाल के दावे बहुत अस्पष्ट नहीं हैं। नेपाल अपने दावों के साथ किसी भी प्रकार के तथ्यों को प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अगर नेपाल इन दावों को अपने तथ्यात्मक प्रमाण के साथ प्रस्तुत करता है तो
भारत सरकार ने यह कहा है कि हम बहुत हद तक इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। स्थिति यहाँ पर और चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब हम यह देखते हैं कि यह सारे क्षेत्र चीन की सीमाओं के साथ जुड़े हुए हैं। चीन की सीमाओं के साथ लिम्पिया, धुरा, लेपुलेख दर्रा सीधी तरह से जुड़ा हुआ है और यह क्षेत्र एक त्रिकोणीय जंक्शन के रूप में उपस्थित होता है जहां चीन की नियमित आवाजाही होती है। तो जब भी ऐसे संबंधों को आए देखे हम लोग तो उसके आयामों पर चर्चा करनी आवश्यक है। इसी प्रकार एक आप प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, यह प्रश्न हो सकता है कि सरक्रीक सीमा विवाद पर हो। सरक्रीक सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है। अब यहाँ स्थिति यह है कि सरक्रीक एक जलमग्न भूभाग है और यह क्षेत्र एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ मछली उत्पादन अत्यंत गहन होता है जिसका लाभ भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलता है। पाकिस्तान यहाँ दावा कर रहा है कि सीमा वर्तमान सीमा ना हो करके पूरब में स्थित किनारे को माना जाए, पूर्वी किनारे को सीमा के रूप में स्वीकार किया जाए। भारत का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के? तो अंतर्राष्ट्रीय नियम यहाँ पर दिया गया है जो कहता है कि अगर कोई नदी, जलीय या झील से गुजरने वाली सीमा है तो यह सीमा उस स्थान के आधार पर निर्धारित होगी जहाँ जल की गहराई अधिकतम है। इस सिद्धांत को थाल वेग सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगर हमें थाल वेग सिद्धांत की जानकारी होगी तो हम यह कह सकते हैं कि भारत अपने दावों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है और इसी आधार पर पाकिस्तान के दावों को खारिज करता रहा है, नकारता रहा है कि सीमा में परिवर्तन हो। तो यह तो पड़ोसी देशों के साथ कुछ विषय थे जिन पर हमने चर्चा किया। अब चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। और अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिस प्रकार अभी रूस और यूक्रेन के बीच विवाद जारी है तो आपको यह ज्ञात होगा कि पूर्व में यूक्रेन और रूस एक साथ थे और तात्कालीन सोवियत संघ के सदस्य हुआ करते थे। बाद में चलकर यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाता है और उसका झुकाव बढ़ता चला गया पश्चिमी देशों की तरफ। रूस इससे अछूता रहा लेकिन दोनों के बीच में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब अंतिम रूप से यूक्रेन ने इस बात की घोषणा की कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में कार्यरत नाटो की सदस्यता को ग्रहण करेगा और उसमें संभावना उसने जताई। अब ऐसी स्थिति में रूस के समक्ष सुरक्षात्मक चुनौतियां उत्पन्न हुई और जिसे हल करने के लिए रूस ने आक्रमण शुरू किया और यूक्रेन पर वर्तमान संकट इसी का परिणाम है। प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी स्थिति में भारत की क्या इस भूमिका होनी चाहिए? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण, अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को आगे बढ़ाता रहा है। आपको यह ज्ञात होगा कि जब 1953 वह वर्ष था जब स्वेज नहर क्राइसिस उत्पन्न हुई और पश्चिमी देशों फ्रांस, इंग्लैंड, इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया था। भारत ने उस समय भी समझौता का सहारा लिया और यह कहा कि
ऐसे विवादों का समाधान आपसी विश्वास, आपसी संवाद और मित्रतापूर्ण माहौल में होना चाहिए। सभी पक्षों को एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, उनके दावों को महत्व देना चाहिए। यह बात आज भी भारत द्वारा प्रस्तावित है। भारत इसमें स्पष्ट रूप से कह चुका है कि रूस और यूक्रेन को अपने अपने दावों को एक दूसरे को बताना चाहिए। संबंधों का निर्धारण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। सैन्य शक्ति अथवा इस तरह के आक्रमणों का कोई अच्छा परिणाम भारत, रूस या यूक्रेन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो मूल विषय है वह यह है कि भारत पश्चिमी देशों अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका की परिपाटी का पालन नहीं करता है, बल्कि भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र निष्पक्ष राय रखता है। यह राय किसी सैन्य संगठन को बढ़ावा देना नहीं है, किसी आक्रमण, किसी सैन्य कार्यवाही का समर्थन करना नहीं है। भारत का अपना स्वतंत्र, भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है और यह विदेश नीति भारत के सिद्धांतों में स्पष्ट है, जो कि शांति और समझौते को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार से हम एक और आयाम देखें कि हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर अत्यंत विवादित हो गया है। अब यहाँ अगर हम घटनाओं का विवरण लेते हैं तो हम देखते हैं कि दक्षिणी चीन सागर के छोटे देश जैसे कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। इनकी क्षमता सीमित है और ये अपने बल पर विकसित करने की क्षमता सीमित रूप से रखते हैं। इसी समय चीन, जो कि एक स्थापित महाशक्ति है, ने इस क्षेत्र का अतिक्रमण, अति दोहन प्रारंभ कर दिया है। इस प्राटली और पारासेल जैसे द्वीपों का चीन ने अतिक्रमण किया है और इस पर निरंतर वह दावा करता रहा है। हाल ही में चीन ने एक मानचित्र भी तैयार किया और कहा कि पूरा का पूरा दक्षिण चीन सागर हमारा है। ऐसी परिस्थितियों में भारत के साथ क्या स्थिति है, भारत को किस प्रकार हल करना चाहिए, तो ऐसे प्रश्न हमें यूपीएससी में आगे दिखाई पड़ सकते हैं। तो भारत ऐसे समय में अपने विदेश नीति के दर्शन, विदेश नीति के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। सभी छोटे और विकासशील देशों के समर्थन को भारत आगे बढ़ावा देता रहा है। जहां तक चीन के दावे की बात है तो भारत ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी तरह के दावे को अंतर्राष्ट्रीय विधियों के आलोक में ही, के परिप्रेक्ष्य में ही विश्लेषण करेंगे या उसको मान्यता देंगे। अगर वह अंतर्राष्ट्रीय दावों के अनुकूल है तो फिर हम उसको आगे मान्यता देंगे, अन्यथा हम अन्य छोटे राज्यों का सहयोग निरंतर जारी रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए। तथ्यों के आधार पर हम अपने उत्तर को प्रामाणिक बना सकते हैं। हम घटनाओं के आधार पर अपने उत्तर को और अधिक सारगर्भित बना सकते हैं। तो विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए और किसी भी मुद्दे को, अगर जिसका संबंध बृहद महत्व से हो, उन सभी को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहिए और क्रमबद्ध रूप से तैयारी करनी चाहिए। क्रमबद्ध रूप, इसका तात्पर्य यह है कि आप चीज़ों को समग्रता से लें। किसी भी घटना, किसी भी विषय पर अगर विवाद है तो उसे अत्यंत गहराई में जाकर पढ़ने का प्रयास करें, तभी आप इस विषय को भली भांति तैयार कर सकते हैं। तो यह एक अत्यंत मनोरंजक विषय है जिसमें बहुत सारे छात्रों को बहुत मज़ा आता है, अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। तो इसी तरीके से इसे तैयार करना है और इन्हीं बातों के साथ मैं इस जो छोटा सा वीडियो सेशन है, इसको मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।